नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जो बच्चे सीटेट में कम मार्क्स हैं, खासकर जो ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, राहत की खबर है कि वहाँ पर अगर हम बात करें सीटेट में, सेंट्रल लेवल की बात किया जाए, तो यहाँ पर उनके लिए कट ऑफ जो होता है, ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, इन सब के लिए एक ही कट ऑफ बनता है 55% मार्क्स। ठीक है, मतलब 82 नंबर आपका आया है 150 में से, तो आप क्वालिफाई माने जाते हो सीटेट, अदरवाइज नहीं माने जाते हो। लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती में आपको राहत मिली है। यहाँ बोला गया है कि जैसे बिहार टेट में, बीई टेट में आपका क्या होता है कि जो लोग 60% जो आपके एक तरह से बोला जाए सामान्य वर्ग वाले हैं, जो जनरल हैं, उनके लिए तो कोई छूट नहीं है। जनरल के लिए सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए और बिहार टेट में भी 90 मार्क्स चाहिए, तभी आप प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हो, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। तो वही बोला जा रहा है कि अगर आप जनरल में 60% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो आप क्वालिफाई हो। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं सामान्य कोटि की महिला, अच्छा महिलाओं के लिए थोड़ा सा छूट है, क्योंकि सीटेट में सेंट्रल लेवल पे जब जाओगे तो महिला वाला कुछ नहीं, सबके लिए 90 मार्क्स फिक्स है, ठीक है, जनरल की महिलाओं के लिए। लेकिन यहां पर बोल दिया गया कि जो महिला है जनरल की, उनके लिए बिहार टेट में 55% अंक ही प्राप्त करना सही अनिवार्य है, मतलब वो क्वालिफाई माने जाएंगे। मतलब 150 में से अगर 42.5 नंबर आपका आ जाता है, 42 नंबर आ जाता है, तो आप क्वालिफाई हो के आधार पर उत्तीर्ण किए जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और निषक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक, मतलब 150 में से 75 मार्क्स अगर आपने पाए हैं तो भी आप सीटेट क्वालिफाई हो बिहार में, केवल बिहार में, ठीक है। क्योंकि बीटेट वाले, ये जो बीटेट देगा ना, बीटेट 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बीटेट 2017 में जो आपका सामान्य वर्ग का पुरुष है, अगर वो 60% मार्क्स पाया है, ठीक है, तो वो क्वालिफाई मांगा जाएगा, ठीक है। महिला अगर 55% पाए हैं तभी क्वालिफाई होंगी, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पाया, तो एससी एसटी जो है वह 50% मार्क्स पाए हैं बीटेट में तो क्वालिफाई होंगे। और साथ ही साथ बोला है यहां पर, देखिए, अंक लाना आवश्यक था, इसी के अनुरूप प्राथमिक विद्यालय में विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की अर्हता निर्धारित की जाती है। यही अभ्यर्थता आपकी रहेगी, जो एक तरह से बोला जाए कि जितना इतना परसेंट अगर आप पाए हो तभी आप बिहार टेट क्वालिफाई माने जाओगे। और लास्ट में आपका क्या बोल दिया है कि सृजित पदों, जो आपका भी 80,000 के अप्रोक्स पोस्ट है, तो इसमें सृजित पदों की नियुक्ति के क्रम में सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। मतलब यही चीज आपके जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी लागू होगा। राहत क्या मिली, ये ध्यान रखो कि जो सीटेट अभ्यर्थी, सपोज करो जनरल की कोई गर्ल्स है, ठीक है, जनरल की कोई गर्ल्स है, उसको कहीं और प्रांत में आपका क्या होता है, जनरल का जो मार्क्स है 90 नंबर पाए हो तभी आप क्वालिफाई मानो जाओगे। लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में आप प्राइमरी का फॉर्म भर सकती हैं यदि आपका मार्क्स कितना है, 82 से ऊपर है, ठीक है, मतलब आप 55% मार्क्स पाई हैं 150 में, 150 का पेपर होता है, तो अगर आपने 82 मार्क्स ऊपर पाया है तो आप फॉर्म भर सकती हैं बिहार शिक्षक भर्ती की प्राइमरी का। हाँ, इसी तरह अगर एससी एसटी वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए सेंट्रल में सीटेट में क्या चाहिए, सेंट्रल में सीटेट में 82 नंबर चाहिए। लेकिन यहां पर बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में इस बंदे को, एससी एसटी को कितना चाहिए सीटेट का स्कोर क्वालिफाई होने के लिए, मात्र के 75 नंबर। अगर सीटेट में आप 75 नंबर पाए हो और बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द बिहार के जो नियमावली है, ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा राहत है कि अगर आप सेंट्रल के तौर पर, आप सीटेट के तौर पर नॉट क्वालिफाई हो, लेकिन बिहार में आप क्वालिफाई हो जाओगे अगर 75 नंबर लाए हो सीटेट में तो, ठीक है। तो यही चीजें हैं आपकी, बाकी आपका ओबीसी यहां पे हो गया, ये भी आपका अगर 82 नंबर लाया है तो वो आपका क्वालिफाई माने जाएगा। एससी एसटी वाले 75 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएंगे बिहार में, बाकी सेंटर में एससी एसटी के लिए कोई नहीं होता है, सबके लिए एक कॉमन होता है, जैसे जनरल का एक हो गया कि 90 नंबर लाना ही है नया जनरल को,
जनरल के पुरुष के लिए, जनरल के बॉयज के लिए कोई छूट नहीं भाई। जनरल के बॉयज के लिए 90 नंबर आपको बिहार टेट में भी चाहिए और सीटेट में भी चाहिए, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें सीटेट में ओबीसी एससी एसटी सेंट्रल लेवल पे 82 नंबर पे क्वालिफाई माना जाता है, लेकिन यहां पे आपका थोड़ा सा अलग हो गया है। जनरल गर्ल्स को राहत मिली है कि वो अगर एक लड़की, कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मेरे सीटेट में, मैं गर्ल्स हूं बिहार की हूं, सीटेट में 85 नंबर है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूं? तो एकदम निश्चिंत रहिए, आप फॉर्म फिल कर सकती हैं, प्राइमरी के अध्यापक के लिए फॉर्म फिल कर सकती हैं अगर आपके पास सीटेट में 82 से ऊपर है तो, ठीक है। और कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या नोटिस है, तो आप कमेंट करिएगा, पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि अगर आपका सीटेट में जनरल गर्ल्स हैं और 82 नंबर से ऊपर है तो आप फॉर्म फिल कर सकती हैं प्राइमरी का। एससी एसटी वाले अगर सीटेट में 75 नंबर भी पाए हैं बिहार में, फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर वो बिहार के निवासी हैं तो। कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बिहार प्राइमरी के लिए आपका निःशुल्क कोर्स चलाया जा रहा है, पूरी वीडियो आपको परीक्षा प्लस ऐप पर मिल जाएगी सीरियल वाइज, वहां से आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी उसकी क्लासेस हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स चाहिए कि आपका एस्टेट के अकॉर्डिंग आपकी जो किताब चलती है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाए और पूरे सटीक तरीके से, तो वो आप नामात्र का शुल्क देकर आप पूरा एक ही साथ पूरा ईबुक जो है हमारा आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ईबुक जो है हमारा प्राइमरी के लिए आप ईबुक ले सकते हैं, मात्र 399 का है, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी बुक आपको मिल जाएगी। चलिए, और कोई समस्या होती तो आप जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।